बिहार किसी के बाप का नहीं, बाप का नहीं, बिहार किसी के बाप का नहीं, इसमें नहीं है शंका। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। हिंदुओं को एक करने आ रहे हैं बाबा, एकजुट होना है भैया लेके फूल चढ़ावा। ये बात है अपने समान का, ये बात है अपने समान का, इसमें नहीं है शंका। ये बात है हिंदू समान का, जलेगी पाप की लंका। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। अगर आप भगवान को मानते हैं, अगर नास्तिक है तो कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छा। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इन बाबाओं को भी मानना होगा जो भगवान की पूजा करते हैं और जिनके लोग, कई लोग श्रद्धा से आस्था से दीवाने हैं, तो इसमें गलत क्या है? लोगों की अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग इस कदर दीवाने हैं कि बाबा के लिए पता नहीं बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, और मैं बाबा के सपोर्ट में नहीं हूँ कि बाबा ये कर रहे हैं बाबा, क्योंकि मैं बाबा को तो ठीक से जानती भी नहीं हूँ। अच्छा। बस ये जानती हूँ कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और जो जितने भी हिंदू लोग हैं उनके लिए गर्व की बात है, और उन्हें भी इसमें आगे होके खड़े होना चाहिए। अगर बाबा कहीं गलत बयान दे रहे हैं, अगर कहीं लग, जैसे तेज प्रताप जी बोले कि आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, जब आएंगे तब देखा जाएगा, अभी आए नहीं है तो पहले हम तय नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, अभी बागेश्वर धाम महाराज बिहार में सुर्खियों में है और धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन बिहार में होने वाला है, और कल से बागेश्वर धाम महाराज का बिहार में लाइव प्रसारण भी होने वाला है, और काफी चीजें कल से होने वाली है, और काफी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आएंगे तो हिंदू मुस्लिम करेंगे या सनातन धर्म को लेकर काफी अलग अलग अपना विचार रखेंगे, और काफी लोगों के मन में धीरेन्द्र शास्त्री खटकने वाले हैं बिहार में। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ शिखा सिंह राजपूत हैं, और काफी ही अच्छा गाना गाई है और काफी वायरल हुई है, क्योंकि एक सपोर्ट में गाना गाई है, और काफी लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे तेज प्रताप यादव हो गए या पप्पू यादव हो गए, काफी बड़े बड़े लोग धीरेन्द्र शास्त्री का जहां विरोध कर रहे हैं, वही शिखा सिंह राजपूत अपने गानों के साथ बागेश्वर धाम महाराज का बहुत ही अच्छे से बिहार में स्वागत कर रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है काबिल न्यूज में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे, आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी दर्शक श्रोता गण, उन्हें मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। इतने लोग विरोध कर रहे हैं बागेश्वर धाम महाराज का बिहार में, और आप काफी अच्छे गाने के साथ स्वागत कर रही है, वजह क्या है? वजह ये है कि वो हमारे धर्म सनातन धर्म से का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अच्छा। और हमें अपने धर्म से प्यार है। अच्छा। और हमें अपने धर्म पे गर्व है, तो बस एक गाने में। आप वीडियो में बोलती है कि हमें ना हिंदू से मतलब है ना मुस्लिम से मतलब है, हमें अपने धर्म से मतलब है। तो अपने धर्म का प्रचार तो काफी बाबा लोग करते हैं, काफी नेता लोग करते हैं, फिर बागेश्वर धाम महाराज पे गाना गाने का उद्देश्य क्या था? बागेश्वर धाम बाबा गाने का कोई मन में ऐसा कुछ नहीं, अचानक से ख्याल आया। सावन जी जो उस गाने को लिखे हैं और म्यूजिक भी दिए हैं, उनके फैमिली से भी, हमारे फैमिली मेंबर, हमारे दोस्त लोग भी बहुत सारे, सब लोग बोलने लगे। वो लोग, कुछ लोग दिल्ली से, जब गांधी मैदान में उनका शो होने वाला था उस टाइम में ही दिल्ली से कुछ लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में की टिकट, मतलब ये होटल बुक करवा दो बगल में गांधी मैदान से, हम लोग आएंगे। तो हम लोग को लगा इतना दूर से यहाँ आके इतना भी क्या दीवानगी, मतलब एक बाबा के लिए कि लोग आ रहे हैं। और उसको तो हम लोगों ने किया भी, बाद में वो कैंसिल हो गया, तो लगा कि आखिर कैंसिल क्यों किया गया, ये भी एक सवाल मन में कि गांधी मैदान में कैंसिल क्यों हो गया। फिर नौबतपुर हो गया, फिर उन लोग का प्रेशर था कि आप लोग इतना अच्छा गाते हैं, रोज परफॉर्म करते हैं, कम से कम एक गाना तो बाबा पे होना चाहिए। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा था कि कलश उठने वाला है, इतनी महिला, उसमें शिखा को भी शामिल किया जाए। तो शिखा, हमने बोला कि भाई हम लोग तो बिजी रहते हैं, कैसे ये सब हो पाएगा, तो कम से कम एक गाना तो गाना चाहिए आपको। पहले वो गाना सुनते हैं जो गाना आपने गाया है और जिस गाने से आप वायरल हुई हैं। जब जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ, जब जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ, तब तब किसी ना किसी रूप में ईश्वर का अवतार हुआ। बिहार किसी के बाप का नहीं, बाप का नहीं, बिहार किसी के बाप का नहीं, इसमें नहीं है शंका। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। हिंदुओं को एक करने
आ रहे हैं बाबा, एकजुट होना है भैया लेके फूल चढ़ावा। ये बात है अपने समान का, ये बात है अपने समान का, इसमें नहीं है शंका, ये बात है हिंदू समान का। जलेगी पाप की लंका, बागेश्वर सरकार का, पटना में बजेगा डंका। और जो लोग नफरत चलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का, और आपस में लड़ने लड़ाने का, और बहुत सारे जो हमारे राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी हिंदू लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आक्रोश, जो आक्रोशित किया जा रहा, आक्रोश पैदा किया जा रहा है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगी, ये विरोध करना गलत है। नफरत नहीं हम प्रेम के आदि हैं, नफरत नहीं हम प्रेम के आदि हैं, हमें गर्व है, हम हिंदुत्ववादी हैं। आप सब भी अपने अपने धर्म पे गर्व कर सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने अपने भगवान को पूज सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसे रोकना बिल्कुल गलत है, इसका विरोध करना बिल्कुल गलत है। सिंह का बच्चा सिंह होता, गीदर का बच्चा गीदर, हिंदुओं अब जाग जाओ, रहना है बन के लीडर। सनातन धर्म बचाना है भैया, सनातन धर्म बचाना है भैया, बात ये सबके मन का, बागेश्वर सरकार का, पटना में बजेगा डंका। बागेश्वर सरकार का, पटना में बजेगा डंका। जय हिंद जय भारत। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। और जब से ऐलान हुआ था कि बागेश्वर महाराज पटना आने वाले हैं, हमारे जो मंत्री साहब है तेज प्रताप यादव जी, जिनको आप जानती होंगी, उनका कहना था कि बागेश्वर धाम महाराज को एयरपोर्ट पे ही घेर दिया जाएगा। तो इन तरह के लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगी? ये सब गलत है। आपको ये कहीं से भी अधिकार नहीं है कि आप घेर लेंगे। और क्यों घेर लेंगे, पहले सवाल तो क्यों घेर लेंगे। और रही बात, अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो ये उचित नहीं है। मैं उनका मानना था कि बागेश्वर धाम सरकार सिर्फ सनातन का प्रचार करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और उनका मानना था कि वो जब बिहार में एंट्री करेंगे तो यहाँ हिंदू मुस्लिम ये सब होने लगेगा। अभी होने लगेगा ये मानना, आप सोचिए कि होने लगेगा, फ्यूचर की बात पहले से हम कैसे, अब हम तो कोई भगवान है नहीं कि बागेश्वर बाबा आएंगे तो आपस में सब लड़ करके मर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। जब वो आएंगे और आने के बाद अगर वो किसी तरह का कुछ गलत अपने प्रवचन में, अपने भाषण जो भी बोलते हैं उसमें अगर उनके तरफ से कोई गलती होगी, तब हम सोचेंगे कि हाँ ये गलत है। तब अगर ये, अगर तेज प्रताप जी अगर ये तब करते मंत्री जी, तो शायद हम लोग जो अभी पक्ष में है, बाबा के पक्ष में, तब शायद उनके पक्ष में। अच्छा अच्छा। और कि नहीं ये गलत है, तो जब देखिए मैं भी गा रही हूँ तो किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, किसी भी ना तो पॉलिटिकल लोगों के सपोर्ट में, किसी भी नेता के सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए गा रही हूँ कि बाबा सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और वो हमारा धर्म है, हमें भी अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं इसलिए आपने गाना गाया है। लेकिन तमाम बाबा ऐसे रहे हैं, निर्मल बाबा हो गए, काफी बाबा ऐसे हो गए, अभी आसाराम बापू हो गए, काफी बाबाओं का जो इतिहास है काफी उल्टा रहा है बिहार में। लेकिन जब उनकी लोकप्रियता बढ़ती है तो काफी लोग इसको एकदम इतना ले लेते हैं जैसे वो भगवान हो, भगवान मतलब बोलते हैं मेरे भगवान वही है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती हूं। अंधविश्वास में विश्वास नहीं, फिर भी एक बाबा के लिए गाना क्यों? नहीं, बाबा के लिए गाना नहीं। अच्छा, आप भगवान को पूजना छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, क्यों नहीं छोड़ सकता है? क्यों विश्वास? क्योंकि हमें विश्वास होता है एक शक्ति को हम पूजते हैं। कि आपको अगर विश्वास है अपने भगवान में, तो मुझे भी अपने भगवान को पूजने का अधिकार है। कहीं ना कहीं अगर निगेटिव चीज है तो पॉजिटिव चीज भी है। अच्छा। अगर आप भगवान को मानते हैं, अगर नास्तिक है तो कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छा। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इन बाबाओं को भी मानना होगा जो भगवान की पूजा करते हैं, और जिनके लोग कई लोग श्रद्धा से आस्था से दीवाने हैं, तो इसमें गलत क्या है? लोगों की अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग इस कदर दीवाने हैं कि बाबा के लिए पता नहीं बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, और मैं बाबा के सपोर्ट में नहीं हूँ कि बाबा ये कर रहे हैं बाबा, क्योंकि मैं बाबा को कभी ठीक से जानती भी नहीं हूँ। अच्छा। बस ये जानती हूँ कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और जो जितने भी हिंदू लोग हैं उनके लिए गर्व की बात है, और उन्हें भी इसमें आगे होके खड़े होना चाहिए। अगर बाबा कहीं गलत बयान दे रहे हैं, अगर कहीं लग, जैसे तेज प्रताप जी बोले कि आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, जब आएंगे तब देखा जाएगा, अभी आए नहीं है तो पहले हम तय नहीं कर सकते। बागेश्वर धाम महाराज के धीरेन्द्र शास्त्री जो पंडित जी हैं, मन की बात पढ़ लेते हैं, आप कितना विश्वास रखती हैं? इन सब बातों में मुझे विश्वास नहीं था, पहले कहीं बोल चुकी हूँ कि अंधविश्वास में मुझे विश्वास नहीं था, कर्म ही पूजा है, अगर ऐसा है तो देखेंगे।
देखेंगे देखेंगे ऐसा है तो देखेंगे क्या सीखा सिंह राजपूत का भी अर्जी लगने वाला है दरबार में। हाँ, अगर देखते हैं, मैं डिसाइड नहीं, मैं जरूरी भी नहीं समझती कि मेरी अर्जी लगे, पर्ची कटे, ये सब कुछ नहीं। अगर ऐसा होता है तो अभी तक जो चमत्कार या फिर जो अंधविश्वास में मुझे विश्वास नहीं होता है, बहुत सारे चीजों को लेकर, सिर्फ बाबा को लेकर के नहीं, हो सकता है मैं भी विश्वास करने लगू अगर ये सच हुआ तो। और आपका अर्जी लगा और उन्होंने सही सही सटीक चीजें सटीक बताए तो अगर लगे कि नहीं ये परफेक्ट है, लेकिन सबकी सोच है, हम किसी के कहने से नहीं मान लेंगे कि जैसे कुछ लोग बाबा को ढोंगी भी बोलना है तो हम ढोंगी नहीं मान सकते हैं। कुछ लोग बाबा को बहुत कुछ बोलना है, यास है तो ये है तो बाबा ये है, बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है, हर तरह से लोग अपने अपने तरीके से पॉजिटिव होता है। मेरा मैं किसी निगेटिव चीज को भी नहीं सुन के उसको सच मान लिया, ना ही पॉजिटिव चीज को सुन के सच मान लिया, क्योंकि जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगी, मैं अपने आप से नहीं समझूंगी, तब तक मैं कोई चीज लोगों के कहने पे डिसाइड नहीं कर सकती हूँ। और जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं वाकई में कुछ है तो मैं खुद आप जैसे मीडिया लोग जैसे अभी बता रहे हैं, आप लोगों से आके नहीं वाकई में बाबा में जो बात है और जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। और अभी फिलहाल मैं यही बोलूंगी बाबा के सपोर्ट के लिए, यही बोलूंगी बाबा सनातन धर्म राम कृष्ण सभी को मानते हैं, पूजा करते हैं, तो इसका जो विरोध करने वाले हैं वो चीज मुझे सही नहीं लगा कि आप विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ बाबा की बात नहीं है, ये जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, जितने भी सनातन धर्म के लोगों को आस्था है अपने इष्ट अपने भगवान से, उन सभी पे ठेस पहुंच रहा है, उन सभी के मतलब बिल्कुल शिखा जी का कहना है कि आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। इन्होंने गाना गाया है क्योंकि ये उनको मानती है, इनका किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। अच्छा एक और बात, शिखा सिंह राजपूत कोई और गाना सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को या सिर्फ बागेश्वर धाम महाराज? नहीं, गाना तो देखिए दर्शक तो हमारे हर तरह के होते हैं, ऑडियंस हमारे हर तरह के होते हैं। कोई अच्छा सा गाना जो आप सबसे अच्छा गाती हो? अभी तो मैं कोई भी गाना अच्छा नहीं गा सकती हूँ क्योंकि मेरी आवाज फंसी हुई है, फिर भी थोड़ा एक गाना बनता है, एक मैथिली में सॉन्ग है, मैं वही रख देती हूँ। बिल्कुल, जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है, बिधना लगाओ लजोरी तेहने बिजोर है, बिधना लगाओ लजोरी तेहने बिजोर है, बिधना लगाओ लजोरी। राम सीता विवाह का ये मैथिली अच्छा, का अच्छा। बहुत ही फेमस गीत है, मैं उसी गीत को आप लोगों के बीच रखती हूँ। ऐसे मैं मैथिली भी गाती हूँ, भोजपुरी अच्छा। भी गाती हूँ, ज्यादातर बॉलीवुड सॉन्ग गाती हूँ। मेरे चैनल BTS तनिष्क शिखा और तनिष्क शिखा या शिखा सिंह राजपूत BTS करेंगे, तो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे हिंदी सॉन्ग और बहुत सारे मैथिली सॉन्ग भी गाए गए, दहेज प्रथा पे बहुत ऐसे सामाजिक मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे बहुत सारे सॉन्ग भी आपको मिल जाएंगे। फेसबुक पे शिखा सिंह राजपूत के नाम से आप पेज और आईडी सर्च करेंगे, उसमें भी बहुत सारे सॉन्ग आपको लाइव भी देखने के लिए। लास्ट में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगी जो गांव में और दूर दूर बिहार में रह रहे हैं, क्या उनको बागेश्वर धाम महाराज का दर्शन करने आना चाहिए पटना? बिल्कुल आना चाहिए, जब आपके पास वो खुद चल के आ रहे हैं, आप वैष्णव देवी जाने के लिए, आप साईं दरबार जाने के लिए टिकट कटा के कितने दिन पहले से टिकट सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब जाके वहां दर्शन करते हैं। अगर वो खुद यहाँ चल के आ रहे हैं, और लोगों के मन में जो बहुत सारी अफवाहें भी हैं, तो जिनके जो नहीं भी मानते हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि आप लोग जरूर आए, कम से कम देखने और समझने का तो मौका मिलेगा कि क्या बाबा की जो सच्चाई है, जो अफवाह है, वो कितना सही और कितना गलत है। ये और सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इस नाते भी आप लोग जरूर आए और उनका सपोर्ट में आप लोग खड़े रहें, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो। सच को समझिए, झूठ के पीछे मत भागिए, कोई एक गलत अफवाह उड़ गया और उसके पीछे सारे लोग निगेटिव होकर भागना शुरू कर दिए, ये कहीं से भी सही नहीं है। आप अपने सोच से अपने आपका सोच क्या कहता है उस पर डिपेंड रहिए, आप लोगों की सोच में डिपेंड मत रहिए, लोग क्या बोल रहे हैं इस पे मत। तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ वायरल सिंगर शिखा सिंह राजपूत थी और इन्होंने बागेश्वर धाम महाराज पे गाना गाया है और काफी अच्छा गाना है और सबसे सपोर्ट की उम्मीद भी रखती है। अगर आपको भी लगता है कि बागेश्वर धाम महाराज या धीरेन्द्र शास्त्री में अगर कोई कमी है, आप अभी अपना अर्जी लगाने आ सकते हैं, तो पटना जरूर आए और अर्जी लगाएं और आप खुद अपने आंखों से देखें कि क्या उनमें चमत्कारी गुण है या नहीं है, उसके बाद ही आप कुछ भी बोलें या कुछ भी डिसीजन लें। बाकी आप क्या सोच रहे हैं बागेश्वर धाम महाराज के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, शिखा सिंह राजपूत के बारे में और इनको गानों को लेकर सनातन धर्म के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।